हेलो, मैं सुषमा आनंद, सुषमाई रेसिपी में स्वागत है आप सबका। आज हम एंकर केक डिजाइन बनाते हैं। ये 1 केजी का ऑर्डर है मेरा और कीवी फ्लेवर का है। मैंने स्क्वायर टिन में स्पॉन्ज बना ली थी और ये देखिए, मैं इसका कट करके भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे, क्योंकि इस केक में बहुत ज़्यादा कटिंग है। मैं आपको कटिंग फिर आइसिंग करके दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मैंने एक एक बनाया है। जब भी आपको कोई डिजाइन मिले जो उसको कट करके बनाना हो, तो आप पहले स्पॉन्ज पे उस केक का फोटो देख के उसका अच्छे से निशान लगा लीजिए, तब कट कीजिएगा। नहीं तो एक बार स्पॉन्ज कट हो जाने के बाद आपको प्रॉब्लम होगी कि फिर मैनेज नहीं हो पाती है, इसलिए पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद अच्छे से कटिंग कीजिए, तब जाके केक बनाइए। ये मैं शुगर सिरम बनाई हूँ। शुगर सिरम में कीवी क्रश मैं डालूँगी तो इससे फ्लेवर अच्छा आता है केक में, और इसी से मैं स्पॉन्ज को सोकिंग करूँगी। चलिए अब आइसिंग करते हैं केक का। पहले बोर्ड पे, केक बोर्ड पे मैंने क्रीम लगा ली हूँ, क्योंकि इसका हर एक जो मैंने कटिंग किया ना, पहले वो अच्छे से सेट करना होगा, तभी जाके फिर मैं आइसिंग करूँगी। पहले केक के स्पॉन्ज को जो मैंने कट किया, उसको पहले से अच्छे से जिस डिजाइन में मुझे केक बनाना सेट करूँगी, तब जाके हम आइसिंग करेंगे। और इतने छोटे छोटे टुकड़े हैं, सबको मुझे सेट करना अच्छे से। अभी जो भी मुझे एक्स्ट्रा लगेगा मैं सबको अभी ही कट करके हटा दूंगी। और जितने टुकड़े आप लगाएं ना, नीचे क्रीम ज़रूर लगाएं, नहीं तो फिर आपका इधर टुकड़े जो भी आप लगाएंगे जब आइसिंग करेंगे तो आपका इधर उधर होने लगेगा। अभी जब हम स्पॉन्ज को सेट करेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा मुझे लगेगा वो मैं अभी ही कट करके हटा दूंगी, ताकि अच्छे से एक बार पहले सेट कर लें फिर आइसिंग करेंगे, क्योंकि इस केक में बहुत ज़्यादा कटिंग है और मेरे पास स्क्वायर शेप में केक बोर्ड नहीं था और ये अर्जेंट ऑर्डर आया था। उन्होंने मुझे बोला कि ये डिजाइन आप बना दो, ठीक है बन जाएगा, तो जो बोर्ड था मैंने उस पर ही बनाई। और अच्छा लगता है कि जब कुछ नया डिजाइन आपको मिले ना, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं चलो बनाएं, क्योंकि बनाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ कैसे क्या है नहीं है, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरा ऑर्डर आए तो लगे कि नहीं बना सकते हैं। थोड़ा कटिंग ज़्यादा था, टाइम भी ज़्यादा लगा। आप जितना टाइम में 3 केक बना लोगे, उतने में एक केक में ही मैंने पूरा टाइम दे दिया। कोई नहीं, और फाइनल लुक बहुत अच्छा आया था बनके इसका। ये शुगर सीरम अच्छे से लगा रहे हैं। शुगर सीरम अगर आप अच्छे से नहीं लगाएंगे तो आपका क्रीम केक पे अच्छे से नहीं सेट होगा। अब चलिए आइसिंग करते हैं इसका। थोड़ी सी आइसिंग करने में टाइम लगेगी, प्रॉब्लम की कटिंग बहुत ज़्यादा है, तो जब आप फर्स्ट लेयर डाल रहे हैं तो उसमें अच्छे से फर्स्ट देखिए कि कहीं पे अगर अच्छे सेट नहीं है, तो थोड़ा सा उसको देख के तब अच्छे से सेट करके आप करिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही तो मैं वीडियो बना रही हूँ। आइसिंग आराम से कीजिए, क्योंकि कटिंग बहुत ज़्यादा है, जल्दी में आइसिंग करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका जॉइंट जहाँ जहाँ है ना, वो इधर उधर हो जाएंगे। काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैम आप लाइव आइए, मैं बहुत जल्दी लाइव आऊँगी,
और कोशिश तो यही है कि जितनी जल्दी हो सके मैं आप लोग से लाइव में मिलूं, क्योंकि आप लोग मेरे YouTube फैमिली हैं और अपने फैमिली से तो ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकते ना हम, और आप लोगों की ही सपोर्ट से तो आज मैं यहाँ पे हूँ। ये मैं कीवी क्रश डाल रही हूँ और ये कीवी फ्लेवर का केक है। मैं अब सेकंड लेयर डाल के अच्छे से सेट करूँगी। अब मैं शुगर सीरम डाल रही हूँ केक पे। फिर ऊपर से क्रीम डाल के अच्छे से आइसिंग करूँगी। और इस केक का मैंने 2 लेयर ही कट किया था, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी ना, कटिंग बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने 2 लेयर ही कट किया था। ये मैं क्रीम में ब्लू कलर डाल के और फिर पाइपिंग बैग में डाल के केक का फाइनल ऊपर से कोट कर रही हूँ। फाइनल केक का जो कलर होगा वो ब्लू कलर का होगा, क्योंकि मैंने पाइपिंग बैग में इसलिए कि चारों तरफ से मुझे अच्छे से लगाना है तो अच्छे से लग जाए। और आपको तो पता ही कितना इस केक में कटिंग है।
केक का फाइनल फिनिशिंग देखने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इतना ज़्यादा इस केक में ना कटिंग की, मतलब हर जगह की मैनेज कर कर के कैसे मिलाना है कैसे करना है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो बहुत हुई थी। लेकिन केक बहुत ही फाइनल लुक जब बना तो बहुत सुंदर लग रही थी केक, इसलिए मैं सोची कि नहीं फुल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये मैंने यहाँ पे वाइट लगा रही हूँ लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो बाद में मैं चेंज कर लूँगी इसको। ये देखिए, अब मैं केक का चारों तरफ से बॉर्डर बना लूँगी। और जैसे जैसे केक मतलब बनते जा रहा था, फाइनल लुक पे आ रहा था, इतना प्यारा लग रहा था कि मैं बता नहीं, मैं कितना बनाते बनाते मैं बहुत खुश हो रही थी कि क्या कितना सुंदर केक बना है। जब भी आप कोई काम करते हो ना, जब फाइनल जब उसकी रिजल्ट आती है ना, तो जो खुशी मिलती है ना, उससे ज़्यादा कोई खुशी नहीं हो सकती है, कि बहुत अच्छा लगता है कि अरे मैंने बनाया है और इतना अच्छा बना है। मेरे हाथों में भी पूरा कलर लग गया है। थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी मुझे कि मैं कैसे डिजाइन अंदर करूँ इस तरह से। पाइपिंग बैग से यहाँ पे डिजाइन देने में प्रॉब्लम हो रही थी कि कैसे डिजाइन मैं अंदर बनाऊं, लेकिन ये देखिए अच्छे से बन गया। और शुगर बॉल्स मैंने बाहर से थोड़ा सा लगा दूंगी चारों साइड से, ताकि थोड़ा और अच्छा केक का लुक लगे। मैं यहाँ पे वाइट फॉन्डेंट लगाई थी तो अच्छा नहीं लगा मुझे, तो फिर मैंने ब्लैक फॉन्डेंट लगा दी, तो देखिए केक का डिजाइन और परफेक्ट लग रहा है। अब मैं केक पे ब्लैक फॉन्डेंट से नेवी लिख रही हूँ। आप लोगों को केक का डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। केक बनाने में काफी टाइम लगा, लेकिन केक का देखिए फाइनल लुक कितना अच्छा लग रहा है। मैं इतनी खुश हो रही थी ना केक को देख के कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और ये मैंने फॉन्डेंट से नाम लिख के लगा दी केक पे। ये मेरा ऑर्डर फाइनली कंप्लीट हो गया, और जिस काम को आप दिल से करते हो ना वो बहुत अच्छा होता है, और मेहनत तो रंग लाती ही है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर आप लोगों से नई वीडियो के साथ मिलती हूँ कुछ नया ट्राई करके। तब तक के लिए बाय।